हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बायोलॉजी स्टडी चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो बेस्ड है पॉलिनेशन पर। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे प्रीवियस ईयर के जो पॉलिनेशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और इसके साथ ही साथ ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके थ्रू मैं आपको इजिली वे में, ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो अगर आप ये भी देख लेते हो तो आपका एनसीईआरटी का पॉलिनेशन वाला सारा जो पार्ट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो क्या होती है। पॉलिनेशन प्रोसेस ये होती है कि पॉलन ग्रेन का मतलब एंथर से सेड हो जाना, मतलब एंथर का रप्चर होके फूटने के बाद, रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और उनका पिस्टिल के जो पार्ट होता है स्टिग्मा उस पर जाकर गिरना, ये जारी सारी जो प्रोसेस है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बट ये होती कैसे है, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो नॉन मोटाइल होते हैं, वो चल तो सकते नहीं है, ना ही उसके पैर होते हैं कि वो जाए और स्टिग्मा पर जाके गिर जाए और जो प्रोसेस है आगे की वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये होता कैसे, ये होता है ये क्योंकि पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा के पास ले जाना तो होगा, तो कैसे ले जाया जाता है, ये हेल्प लेता है एक्सटर्नल एजेंट की। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लेता है, और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होते हैं इस पहले हम ये पढ़ लें, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वो एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प के लेता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें जो जिसकी ये जो सोर्स जो होते हैं उसके हिसाब से जो है जो ये जो होता है पॉलिनेशन, ये थ्री टाइप का होता है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगेमी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोगेमी में क्या होता है कि यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम दे रखे हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखिए ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें ये जो है ये है स्टिग्मा और ये है एंथर, जहां से जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इनके जो रप्चर होने पर इनके जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर रहा है। ठीक है, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिर रहा है, तो ये जो प्रोसेस है मतलब सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरना क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ इसको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम बेस्ड बनाया ताकि आपको रटना ना पड़े, पूरी तरीके से आप अच्छे से समझ सको। तो सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें एनसीईआरटी में हमारे में दे रखा है कि देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो टू टाइप के फ्लावर बनाते हैं, जैसे बायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, और ये जो होते हैं ये टू टाइप के फ्लावर बनाते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर पॉलिनेशन से पूछा जाता तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर, मतलब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे, तो यहाँ से पूछते हैं। तो इसमें ये जो बायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, ये टू टाइप के फ्लावर जो है बनाते हैं। कौन कौन से फ्लावर, ये चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो ये जो चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं नॉर्मल फ्लावर की तरह एंथर और स्टिग्मा इसके ओपन रहते हैं, बट जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है उसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो कभी भी खुले नहीं होते, और साथ ही साथ ही एक दूसरे के पास ही प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा और एंथर। जैसे ही एंथर से रप्चर होकर पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं वैसे ही वो स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जो भी आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें जो क्लिस्टोगेमस, क्योंकि देखिए इसमें एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा और एंथर, तो इसको पॉलन ग्रेन जो एक्सटर्नल एजेंट है उसकी तो कोई रिक्वायर ही नहीं, और इससे इसे फायदा भी है, इससे प्रॉफिट ये है क्लिस्टोगेमस में कि एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायर नहीं है। तो इससे अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है और ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होनी है वो एक्सटर्नल एजेंट के एब्सेंट में भी आराम से हो सकती है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एजेंट की कोई रिक्वायर नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बायोला है इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है पंसी, तो ये पूछ चुका है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, देखिए ये जो जिटेनोगेमी होता है उसमें एक ही प्लांट के टू फ्लावर, मतलब डिफरेंट एक, मतलब प्लांट जो है वो सेम है, उसकी एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा, उसी प्लांट के फ्लावर का जो अनदर फ्लावर है उसी प्लांट का उसके स्टिग्मा पर गिर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है वो है जिटेनोगेमी, मतलब आप कहेंगे कि सेम प्लांट के
सेम प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, ये जो प्रोसेस है वो है जिटेनोगेमी। और स्टूडेंट्स ये जो जिटेनोगेमी ये वाली लाइन जो है ये मैंने एक्सप्लेन अभी जो बोला यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसके साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं, जैसे कि ये मेज है, कोकोनट है, कुकरबीट है, कैस्टर है, इनमें जिटेनोगेमी होता है और कैसे होता है वो भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। देन उसके बाद होता है जिनोगेमी। जिनोगेमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, और स्टूडेंट्स ये जो जिटेनोगेमी है ये क्या है, ये जेनेटिकली कैसा है, ये जेनेटिकली तो कैसा है, जेनेटिकली ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन ही है, बट ये फंक्शनली कैसा हो गया, फंक्शनली सॉरी 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 या जेनेटिकली ये कैसा है, सॉरी सॉरी जेनेटिकली ये कैसा है, जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ओके। देन उसके बाद हम बात करेंगे जीनोगेमी में। जीनोगेमी में जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पर क्या है, टू प्लांट्स हैं, ठीक है, इसमें ये जो प्लांट्स है इसका जो फ्लावर है, ठीक है, इसके पॉलन ग्रेन जो अनदर प्लांट है, ठीक है, उसके स्टिग्मा पर जाकर गिर रहे हैं उसके पॉलन ग्रेन, तो ये जो प्रोसेस है ये जीनोगेमी। तो यहाँ पर ये क्या हुई, ये जो प्रोसेस है कि जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये जो मैंने जिटेनोगेमी के जो एग्जाम्पल्स बताए हैं उनको समझने के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट को। देखिए मोनोसियस प्लांट वो होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों, ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ऐसे राइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से डायग्राम आपके माइंड में छप जाए और आपको याद रहे कि यस ऐसे होना है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, वो होता है मोनोसियस प्लांट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है मेज, कोकोनट, कुकरबीट, कैस्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट होंगे, तो मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर होंगे तो उसमें जिटेनोगेमी आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है एक ही प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो है पॉलन ग्रेन जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मेज, कोकोनट, कुकरबीट, कैस्टर अगर मोनोसियस प्लांट है तो उसमें जिटेनोगेमी पॉसिबल है। बट डायोसियस प्लांट क्या होते हैं, डायोसियस प्लांट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो एक इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डायोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे इसने बोला डायोसियस, डाय मतलब दो मतलब इनके दो प्लांट होते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। दो प्लांट होते हैं, एक मेल सॉरी दो प्लांट होते हैं जिसमें एक में मेल फ्लावर आता है, एक में फीमेल फ्लावर आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मोनोसियस, इसमें इसका मतलब एक ही प्लांट आता है, मतलब मैं याद करने के लिए आपको रिमेम्बर करने के लिए इस तरीके एज अ ट्रिक बता रही हूँ। मोनोसियस प्लांट मतलब एक ही प्लांट में दोनों आ जाते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिस्टोगेमस याद, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मेनली क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला जो है, किसमें जो एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है, बंद रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्लिस्टो CLEIS, तो इससे क्लिस्टो को आप क्लोज क्योंकि इसमें बंद रहते हैं एंथर और स्टिग्मा क्लोज रहते हैं, तो इसमें क्लिस्टो से क्लोज, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।